स्कूल से निकाल दिया जाता था। हम भी अपने लाइफ में जब टेंथ में पढ़ते थे हमको भी कितना बार स्कूल से निकाल दिया गया, हम पैसा के लिए घर आ गए थे। तो यही सच हमको अच्छा नहीं लगा, इसके लिए हम सोचे कि नहीं इन गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई अंबानी अडानी का बच्चा है नहीं, आप देख सकते हैं सब गरीब घर के फैमिली के बच्चे जिनके माँ बाप पैसा खेत बाड़ी करते हैं, कुछ कुछ पैसा कमाते हैं, इनको अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा। सही काम करता नहीं कि सही। अच्छा जा, सही काम करता है कि नहीं? सही ना करता तो कोई कोई बढ़िया करता तो सब बढ़िया को होता। हाँ। हाँ। आकाश कहीं ना कहीं फ्री में पढ़ा होता तो फ्री में बड़े बार पढ़ा होता आप उनको कोचिंग किसके पास पढ़ने आती हो? आकाश भी लग। आकाश भी लगे। पैसा उसे लेते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसे ही पढ़ाते हैं फ्री में सबको। तुमको भी फ्री में पढ़ाते हैं बाबू? क्या नाम है तुम्हारा? पवन। पवन बाबू तुमको पढ़ाते हैं जी? अच्छा फ्री में कि पैसा से? फ्री में। फ्री में। अच्छा क्या नाम है? कस कस के बोलना है ठीक है? क्या नाम है? इतना मन अच्छा लग रहा है कि कहने शब्द के इनका पास है नहीं है, हम लोग का क्या इनका सराहना करें। इन्होंने ये कदम उठाया है शिक्षा फ्री मैंने देने के लिए, तो हमने बोला कि हाँ जब तक आप शिक्षा देते रहिएगा तब तक आपका सहयोग में कमी नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है, आप देख रहे हैं हम तक न्यूज। अभी हम लोग पीपरा गांव में मौजूद है और ब्लॉक बता दे गवनाहा पड़ता है, थाना सोहदरा पड़ता है। और बता दे इस गांव पीपरा गांव में एक आकाश नाम के लड़का है जो कि निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराने का प्रयास करते हैं और काफ़ी मतलब अपने स्तर से 3 ब्रांच चलाते हैं गाँव में भी और अपने घर पर भी, काफ़ी अगल बगल में पढ़ाते रहते हैं। ये देख रहे सभी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और इन सबको निःशुल्क शिक्षा देते हैं। देखिए इस सबको भी खेलने की उम्र है तब ही बुला बुला के फ्री में पढ़ाना, समझिए कितना कठिन होता है। और मैंने इन लोग से आया मिला और आकाश जी से भी बहुत अच्छा लगा और यहाँ के मुखिया जी हैं उनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा कि इन बच्चे के प्रति काफ़ी जागरूक रहते हैं और पढ़ाने में योगदान भी देते हैं। बाकी ये मिलने के बाद छोटे छोटे बच्चे देखिए कितने हैं और पढ़ने के लिए काफ़ी इनके पास आते हैं तो कहीं ना कहीं ये खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इन लोगों को बुला के पढ़ाना कितना मुश्किल होता है आप बाकी समझ सकते हैं। लेकिन मैंने आया तो देखा कि सभी बच्चे उस झोपड़ी में बोर्ड लगाए हैं उसमें बैठा के पढ़ाते हैं और सबको ये अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगा कि ये अनुशासन के साथ पढ़ते हैं लिखते हैं। लेकिन मैंने आया तो देखा कि नहीं इन लोगों को भी अपने स्तर से इन लोगों को सहयोग करना चाहिए, तो मैंने सभी बच्चों के कॉपी कटर पेंसिल दिया। बाकी चलिए बच्चों से बात करते हैं इन लोगों का कैसा लगा। क्या नाम है अभी तुम्हारा? नीबा कुमारी। अच्छा नीबा कुमारी, पढ़ती हो? हाँ जी। किस क्लास में? तीसरा। तीसरा में। अच्छा कोचिंग किसके पास पढ़ने आती हो? आकाश भैया लग। आकाश भैया लगे। पैसा उसे लेते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसे ही पढ़ाते हैं फ्री में सबको। तुमको भी फ्री में पढ़ाते हैं बाबू? क्या नाम है तुम्हारा? पवन। पवन बाबू तुमको पढ़ाते हैं जी? अच्छा फ्री में कि पैसा से? फ्री में। फ्री में। अच्छा क्या नाम है? कस कस के बोलना है ठीक है? क्या नाम है वो तुम्हारा? प्रियांशु कुमारी। अच्छा प्रियांशु कुमारी। अच्छा किनके पास पढ़ने आती हो? आकाश भैया लग। आकाश भैया के साथ। क्या पढ़ाते हैं आकाश भैया? कख ग पढ़ाते हैं? कख ग 1-2 पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं, कख ग पूरा आ जाता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है वो तुम्हारा? रिया। रिया पढ़ाते हैं सर जी? हैं। चलिए बाकी देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लगता है जब बच्चों के कॉपी हाथ में कॉपी थमा दिया जाता है, पेंसिल थमा दिया जाता है। तो देखिए बहुत सारे लोग पढ़ने के उम्र में वो खेलते हैं कूदते हैं काम करने निकल जाते हैं, लेकिन आप शुरू से अगर माहौल अच्छा बना दिया जाए तो समझिए कि माहौल में ढल जाएंगे। अच्छा कैसा लग रहा है आप लोग को कॉपी पेंसिल दिया गया तो? कैसा लगा था बाबू? ठीक लगता है। कैसा लगा था? अब पढ़ाई हो? अब मन लगा के पढ़े के बाद? पढ़े के बाद पढ़ाई हुई नू? हाँ। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा आकाश जी अब आपसे हम क्या कहें, लेकिन आपका एहसान किस तरह से हम देंगे समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहिएगा? आप गांव में पढ़ा रहे हैं तो गांव में काफ़ी लोग तो आपको मतलब गलत समझते होंगे। नहीं गलत नहीं समझते हैं। हम जब टेंथ में पढ़ते थे तो इस रास्ते से कभी आते जाते थे तो बहुत कोचिंग या स्कूल में देखें कि फीस के अभाव से लड़का सबको स्कूल से निकाल दिया जाता था। हम भी अपने लाइफ में जब टेंथ में पढ़ते थे हमको भी कितना बार स्कूल से निकाल दिया गया, हम पैसा के लिए घर आ गए थे। तो यही सच हमको अच्छा नहीं लगा, इसके लिए हम सोचे कि नहीं इन गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई अंबानी अडानी का बच्चा है नहीं, आप देख सकते हैं सब गरीब घर के फैमिली के बच्चे जिनके माँ बाप पैसा खेत बाड़ी करते हैं, कुछ कुछ पैसा कमाते हैं, इनको अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। इन लोगों को हम बहुत बुला बुला के मतलब पढ़ाते हैं अपने थ्रू से जैसा भी होता है। अच्छा तो मान लीजिए आप पढ़ाते हैं तो फिर आपका खर्चा कैसे चलता है?
देखिए अपना जो है अपना मतलब दुकान है, मेडिकल है, वहीं पे कभी कभी बैठते हैं, बाकी दो टाइम तीन टाइम लोग को देते हैं निशुल्क। मतलब अपना काम करते करते बच्चों को भी समय देते हैं? जी जी अपना काम करते हैं उसके बाद ही लोग को समय देते हैं। हमारे घर वाले फैमिली लोग हमारा फुल सपोर्ट करते हैं, वो लोग कुछ चीज़ का कमी नहीं होने देता है, सब कुछ का भरपूर सहयोग करते हैं। मैंने नहीं बोलते हैं कि काहे दूसरा के बच्चा का तो फ्री में पढ़ाओ? ना ना ऐसा कुछ नहीं बोलते, वो लोग खुद समय हो जाने पर बोलते हैं कि जाके पढ़ा के आओ दो घंटा तीन घंटा। तो कैसा लगता है, कैसा फीलिंग आता है अंदर से? अच्छा, बहुत अच्छा फीलिंग आता है। हम भी सोचते हैं हाँ ये लोग पढ़ा देंगे तो कुछ बन जाएगा आदमी बड़ा, नहीं अच्छा संस्कार ये लोग को देते हैं। अच्छा मुखिया जी आपका भी योगदान बहुत रहता है, तो आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं कि इस तरह से गांव में आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी गांव में आपके तरह मुखिया नहीं करते हैं। अब पहले ये बताइए कैसा लग रहा है आकाश के काम को देखकर? अब बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मन अच्छा लग रहा है कि कहने शब्द के इनके पास है नहीं है, हम लोग क्या इनका सराहना करें। इन्होंने ये कदम उठाया है शिक्षा फ्री मैंने देने के लिए, तो हमने बोला कि हाँ जब तक आप शिक्षा देते रहिएगा तब तक आपका सहयोग में कमी नहीं होगा। आ इनका परिवार समझिए कि समाज सेवा से लेकर सब अभी करते आ रहे हैं। इनका फैमिली में इनकी माँ आशा के कार्यरत हैं, वो भी समाज सेवा में जुटी हुई हैं। इनके पिता प्रैक्टिशनर है मेडिकल लाइन में, वो भी समाज सेवा से जुड़े हैं। और देखिए तीसरा ये भी समाज सेवा में जुड़े, तो अब बताइए फैमिली कैसा फैमिली है। तो कहा सब कोई समाज सेवा कर रहे हैं, जी जी समाज के लिए सोचते हैं। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा मान लीजिए जिन्होंने दे रहे हैं हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं बच्चियां हैं, अब बताइए इन लोगों का भविष्य मैंने हम लोग का एकदम प्रकाश में दिख रहा है कि अब ये बैक होने वाली नहीं है, बच्चा बच्ची एकदम आगे पढ़ाई प्रोग्रेस करते रहेगी। इसीलिए हम लोग ने आकाश बाबू से कहा है कि बाबू पार्ट टाइम में तुम अगर निःशुल्क दे रहे हो बहुत सराहनीय काम है आपका, कहने योग्य नहीं है, आप करते रहिए आपका सेवा पूरा गांव और समाज करेगी आपको। अगर मुखिया जी आपकी तरह हर गांव में इस तरह से मुखिया जी अगर किसी के साथ खड़े हो जाएंगे शिक्षा को लेकर, तो समझिए उस गांव में विकास और गांव के लोग शिक्षित होंगे कि नहीं? जी जी बिल्कुल शिक्षित होंगे। और इसे मैं बता देना चाहता हूँ मैं 16 से भी मुखिया रहा हूँ, लगातार रिपीट किया हूँ। जी 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 तो देन हमारे ग्रामीण जनता लोग का है, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने समझा, काबिल समझा, जहाँ जो भी है अच्छा करते हैं, तो इन्होंने फिर दोबारा समय दिया समाज सेवा करने के लिए, समाज सेवा कर रहा हूँ, आगे वर्तमान में फिर समय देखा जाएगा। ऐसा बात नहीं है, शिक्षा के मामले में चाहे रोजगार के मामले में कोई भी ग्रामीण लोग को बच्चा लोग को हम नहीं छोड़ते हैं, हर संभव प्रयास एकदम सहायता आदमी करता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा चाचा, आपके गांव के बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जाता है और आकाश के द्वारा इतना बढ़िया से पढ़ाया जाता है, इसके बारे में लोग क्या कहें? सब ठीक हुआ बबुआ, सब ठीक हुआ, सही काम करता नहीं कि नहीं? सही। अच्छा सही काम करता है कि नहीं? सही ना करता तो कोई कही बढ़िया करता रहता है, सब बढ़िया को होता है। आकाश कहीं ना कहीं फ्री में पढ़ा होता है? फ्री में बड़े बार पढ़ा होता है, उनको मजदूरी देता है बताए, गाड़ी घोड़ा के डर यहाँ करावल जाता जी, कहीं गाड़ी घोड़ा चलता बच्चा लेकर कहाँ जाए, ऐसे बढ़िया बात यही है। लेकिन आजकल तो लोग शिक्षा के व्यापार बना लेता है, बिजनेस बना लेता है। नहीं बिजनेस का अपना बिजनेस के बाद थोड़े बात नहीं, आकाश के बात नहीं कर, और लोग शिक्षा के बिजनेस बना के करता है, वो आइए तो 200-300 रुपया ले। हाँ ये बात सही बात, मैंने जो बच्चा जाए वाला है वहाँ नहीं खे, यहाँ ठीक बात वहाँ बात, वहाँ 2 रुपया दिया था पढ़ाता लेकिन यहाँ फ्री में पढ़ाता। लेकिन चलिए आकाश के झोपड़ी के दिखाते हैं कि आकाश किस झोपड़ी में पढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं आकाश के जो अंदर जोश है जुनून है पढ़ाने का अंदर, वो सच में बताएं तो क्या बताएं, देख सकते हैं आकाश एसी में सभी बच्चों को बैठा के पढ़ाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड लगाए हुए हैं, इस बोर्ड के स्तर से तरीका से सभी बच्चों को समझाने के प्रयास करते हैं, सभी बच्चे इसी मतलब सभी बच्चे इसमें बैठ के आराम से बैठ के पढ़ते हैं। बाकी मेरे प्रयास आकाश से कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ऐसे इसके इसी तरह कहीं आप वीडियो देखें कि नहीं देखें कि इस तरह से लोग गांव में निशुल्क शिक्षा दे और पढ़ाए उनको, अगर नहीं देखें तो अपने स्तर से जरूर अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने के प्रयास कीजिएगा। मेरा योगदान आपकी तरह प्रति हमेशा जागरूक रहेगा और पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। बाकी मेरे प्रयास यहाँ से कैसा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।